स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम आपको स्क्वायर रूट्स निकालने सिखाने जा रहे हैं। स्क्वायर रूट्स जो बेसिक है, क्लास 8, 9, 10, 11 से लेकर आप इसका फर्दर तक यूज कर सकते हो। स्क्वायर रूट्स निकालना काफी ही इजी होता है, लेकिन अगर ये ठीक ढंग से अगर आपको आए ना तो ये आपके लिए हेडेक बन सकता है। तो आज हम बेसिक ट्रिक जानेंगे और साथ में जो आप एकेडमिक रूल से जो निकालते हैं उन दोनों में से सीखेंगे कि स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो हिंदी में स्क्वायर रूट का मतलब है वर्गमूल। तो वर्गमूल आपको मैं लिख देता हूं, इसको मैं निकालने का ट्रिक्स भी बताऊंगा और आपका एकेडमिक वे से भी बताऊंगा। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने के लिए बेसिक चीज आपको क्या जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, आपको स्क्वायर सबका नंबर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ। आपको ये चीज पूरा लर्न होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करोगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर इसको आप ट्रिक वाइज सॉल्व करते हो तो काफी इजी रहेगा। तो आप देख लो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर। तो इसको इस मेथड ट्रिक वाले मेथड में जाने से पहले हम बेसिक मेथड सीखेंगे कि बेसिक मेथड से हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिक मेथड के लिए स्टूडेंट पहले हम लोग क्या करते हैं, आपको बेसिक मेथड सिखाते हैं। तो 4, 4, 4, 8, 9 को अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो कैसे निकालते हो, ये मेथड को हम लोग डिवीजन मेथड बोलते हैं, ठीक है, ये मेथड को हम लोग डिवीजन मेथड बोलते हैं। तो पहले ही पीछे से आप पेयर निकाल लो तो क्या हो गया 6, 6, 36। अब बोलोगे कि यहां पे 6 है तो यहां पे भी 6 ही नंबर डिजिट लेते हो, यहां 7 लेना है तो यहां 7, 7 क्यों नहीं लेते, तो 7 लेंगे तो यहां भी 7 हो जाएगा, तो 7, 7 का 14 है जो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग 6 लेते हैं तो यहां भी 6, तो 6, 6 जाए 36। अभी देखो ये 14 में 6 से जाएगा तो 8 हो जाएगा और कैंसिल 8, 8, 9। अभी क्या होगा, ये नंबर को अब फिर से इस नंबर को यहां पे ले आओ और इसको एड कर दो, 6, 6, 12 हो गए। अब क्या होगा कि यहां पे जो डिजिट होगा वही डिजिट यहां पे होगा। तो आप क्या करते हो, यहां पे जो नंबर है वो नंबर हम लोग देखो यहाँ पे क्या लाना है, 9 लाना है, यानी हमको 3 लेना होगा या 7 लेना होगा, तो 3 लेते हैं। तो 3 लेने से क्या होगा, देखो 1, 2, 3, तो 3, 3 जा 9, 3, 2 जा 6, 3, 1 जा 3, ये तो काफी इससे कम है तो इसको नहीं लेते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे 7 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ भी 7 लेना होगा। तो देखो क्या होगा, 1, 2, 7, तो 7, 7 जा 49, 7, 2 जा 14, 14, 4, 18, 7, 7 जा 7, 1, 8। तो देखो क्या आ रहा है, 7 टाइप में कट गया, 8, 8, 9। तो इसका स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, 67 हो गया, ठीक है। तो 67 क्या होता है, 67 एक प्राइम नंबर है और इस प्राइम नंबर को आप इसको कनेक्ट करेंगे स्क्वायर रूट हुआ वो 67 हो गया, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन को आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाते तो कैसे बनाते स्टूडेंट, तो देखो 4, 4, 8, 9। अब इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ऊपर में लिख देता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हिंदी में अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। और इस मेथड को हम लोग विभाजन विधि, विभाजन विधि। तो देखो स्टूडेंट, ये नंबर जो है इस नंबर को आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। अगर इस डिजिट को 4, 4, 8, 9 को, ये नंबर को अगर आप पूरी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो देखो डिवीजन मेथड से तो आपको डायरेक्ट पता चल गया कि ये 67। आप बता सकते हो 67 किसी का मल्टीपल है, तो 67 किसी का मल्टीपल नहीं है। तो अब हम लोग देखो मल्टीपल मतलब ये किसी का फैक्टर नहीं है,
67, जैसा कि मैंने बोला कि 67 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जो किसी से न कटे उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 67 जो है इस नंबर का वर्गमूल है, यानी इसका मतलब है कि 67 का स्क्वायर जो है वो क्या आएगा, 4489 आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने पहले आपको स्क्वायर निकालने बताया था कि इसका स्क्वायर का मतलब समझो। तो ये जो स्क्वायर रूट है ये 4489, इसका स्क्वायर रूट कितना है, 67 है, ठीक है। तो मैं बोला कि इसके लिए भाई एक मेथड तो है नहीं, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो सबसे पहले जो आप बेसिक मेथड ही सीखोगे, अचानक से तो ट्रिक नहीं सीख लोगे, ठीक है। तो बेसिक मेथड बहुत जरूरी है, बेसिक एकदम मैंडेटरी है। किसी भी चीज का शॉर्टकट ट्रिक जानो, शॉर्टकट रास्ता तो होता ही है, लेकिन सबसे पहले बेसिक सीखो। बेसिक नहीं सीखोगे वो है ना, शॉर्टकट ट्रिक में पता चलेगा कि आपका जो बेसिक है वो सब खत्म हो गया। तो बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। जब तक आप बेसिक नहीं जानते हो तो आप सोचो कि जीरो है। आजकल सुनते हैं कि ये शॉर्टकट ट्रिक वो शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक भी पता होना चाहिए, लेकिन आपका बेस जो है, जो उसका वे है, उसको तो आपको पता करना ही होगा। तो सबसे पहले जो मैंने आपका मेथड बताया वो जो मेथड है डिवीजन मेथड है, और उसके बाद का जो मेथड मैंने बताया ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो, अब यहाँ पे क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी यहाँ पे दो नंबर से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 नंबर से, 7 नंबर से, 5 नंबर से, 11 नंबर से, 13 नंबर से। क्यों? क्योंकि जो अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं कि जो नंबर अभाज्य है उसी से आपको उसका गुणनखंड करना है। मतलब इसको आप जैसे एलसीएम निकालते हो ना वैसे निकालना है, लेकिन उसके लिए आपको अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर का यूटिलाइज करना है, क्योंकि प्राइम नंबर ही आपको जो है यहाँ पे इसका नंबर ऑफ फैक्टर देते जाएगा। तो अब देखो, अब 4489 कितना बड़ा डिजिट है। तो अब देखो इसको आप बोलोगे भाई सर कैसे इसको तोड़ेंगे, तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी इसके लिए बहुत जरूरी है। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का मैं एक क्लास दे दूंगा। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब कोई नंबर किससे डिविजिबल है उसको भी आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो बिना डिवाइड किए हुए, देखकर ही आप पता कर लोगे कि भाई ये नंबर इससे डिविजिबल है कि नहीं। हालांकि यहाँ पे देखो 4489 है, तो आप इसको देखो चार लास्ट में 9 है ना, 9 है, तो ये नंबर जो है किसी से भी नहीं कटेगा। जैसे देखो 4 4 8 8 8 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 16 9 16 4 20 5 25, 25 हुआ, ये पूरा डिजिट का सम 25 हुआ, तो 25 तीन का टेबल से तो कटेगा नहीं, क्योंकि तीन का टेबल का रूल का डिविजिबिलिटी है कि यदि इसको अगर हम सम करते हैं, अगर ये जो है तीन का टेबल में आ जाए या थ्री का टेबल में आ जाए तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये जो है कट जाएगा। तो तीन का टेबल से होगा नहीं, दो का टेबल से भी ये कटेगा नहीं, ठीक है, दो का टेबल से भी नहीं कटेगा, क्योंकि दो का टेबल के लिए यहाँ पे 0 2 4 6 8 आना चाहिए, तो ये भी दो से भी नहीं कटेगा। फिर क्या है, फिर हम देखते हैं 5 से देखते हैं, तो 5 के लिए यहाँ पे 0 और 5 का कंसेप्ट होना चाहिए, लास्ट डिजिट में 0 या 5 होना चाहिए, तो 0 5 का भी कंसेप्ट यहाँ पूरा नहीं हो रहा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं 6 का, तो 6 के लिए हम लोग 2 और 3 का मल्टीपल देखते हैं, तो 2 और 3 का दोनों में से किसी को फॉलो नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 का, तो 7 का भी ये फॉलो नहीं कर रहा, 7 से भी ये डिविजिबल है। तो अब हम लोग 8 में आते हैं, तो 8 के लिए हम लोग क्या देखते हैं, 8 के लिए, हालांकि 4 के लिए तो हम लोग लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं, लेकिन जब हम 8 का देखते हैं तो लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं, तो ना 4 से डिविजिबल है ना 8 से डिविजिबल है। 9 के लिए क्या है भाई, तो जैसे 3 के लिए पूरा सम देखते हैं तो 9 के लिए भी पूरा सम देखते हैं, तो इसका सम तो 25 है, 9 का टेबल में तो 25 आता नहीं है, तो 9 से भी नहीं कटेगा। तो देख लो स्टूडेंट, हमने जितने भी नंबर लिए उसमें से कोई नंबर से डिविजिबल नहीं है, यानी एक कुल मिला के इससे इसका डिविजिबिलिटी कौन है, तो डायरेक्ट 67 है। तो आप इसको बोल सकते हो कि यहाँ पे हम 67 ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कौन नंबर ले सकते हैं, 67, यानी यहाँ 67 तो यहाँ भी 67, मतलब 4489 का जो ये जो स्क्वायर रूट इसका निकलेगा, स्क्वायर रूट का मतलब देखो स्टूडेंट, इसका अंदर 2 छुपा होता है ना, इसका अंदर 2 छुपा होता है, तो ये कितना होगा, जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो होगा 67 into 67, तो 67 into 67 आप ये देखो यहाँ पे ऐसे करके आप इसको लिख सकते हो। अभी क्या होता है कि ये 67 है ना, ये क्या हुआ कि इसको आप स्क्वायर लिखोगे और ये जो इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो ये 67 यानी 67 आपके आंसर हो गया, ठीक है। तो ये मेथड है डिविजन मेथड, ये मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें आपको जो बताने वाला हूँ वो ट्रिक है, जो कि आप कुछ ही सेकेंड में इसका
वैल्यू तुरंत निकाल लोगे। इसका कब यूटिलाइज करते हैं, जब एग्जाम हॉल में आप बैठे हुए हो और आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन है, खासकर कंपटीशन वाला लोग में, तो आप ये सब मेथड अप्लाई करने से अच्छा जो ट्रिक्स है उसी के लिए मैं बोलता हूँ कि आप इसी को प्रीफर करो जो ट्रिक है। लेकिन जो एकेडमिक वाले लोग हैं उन लोग के लिए तो भाई यही आपको करना होगा। शुरू दौर में ही आप सीधे ट्रिक लगाने लगे तो फिर तो आपका बेसिक ही खराब हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू में बेसिक सीखना है और उसके बाद आपको ट्रिक में आना। तो चलते हैं हम लोग ट्रिक की तरफ। तो कैसे हम लोग ट्रिक जानते हैं स्टूडेंट वो भी देखो। ठीक है, अभी देखो कैसे है, 4489। अभी देखो मैं बोला कि भाई इसका जो है शॉर्टकट ट्रिक से कैसे हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले फटाफट मैंने 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 60, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो देखो 9 है, तो 9 किसके, तो इसका स्क्वायर में किसका आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर में आ रहा है और 7 का स्क्वायर में 9 आ रहा है ना। मतलब जो नंबर होगा वो 3 होगा या तो 7 होगा, मैंने पहले से मान लिया। अब 3 और 7 हो गया, अब क्या हुआ कि अब आगे का, चूंकि ये 4 डिजिट का नंबर है, तो 4 डिजिट का नंबर में हम लोग क्या करते हैं, आगे का 2 डिजिट करते हैं। तो 2 डिजिट यानी 44 है, तो 44 किस में आता है, तो देखो 44 5 का स्क्वायर में 25 आ रहा है, 6 का स्क्वायर में 36 आ रहा है और 7 का स्क्वायर में 49, जो कि इससे ज्यादा आ रहा है, तो यानी हमको 6 ले लेना। तो यानी इसका अगर आप 63 बोलोगे या तो 67 बोलोगे। ठीक है, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा या तो 63 होगा या तो 67 ले लेते हैं। ठीक है, 63 होगा या 67 होगा, तो 63 होगा या 67 इसमें आपका कंफ्यूजन है। तो आपको सिंपल सा कंसेप्ट बताते हैं कि अगर आपको ऐसा लगे कि 63 होगा या 67 होगा, तो आप क्या करो कि इसका बीचों बीच 65 का स्क्वायर, तो 65 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, के 5 करी दो 5 30 20 60 5 30 30 60, तो 62 के 6 36 36 36 और 6 42। तो देखो 65 का स्क्वायर तो इतना ही आ रहा, यानी जो 65 का स्क्वायर इस 4225 आ रहा है, तो 63 का स्क्वायर कितना होगा, वो तो इससे कम ही हो जाएगा, यानी 63 तो होना होगा नहीं, तो हम क्या किए 67 को मान लिए, यानी 67 इसका आंसर है। तो अब बोलोगे सर इसका स्क्वायर आप कैसे निकाल दिए, तो इसके लिए भी लॉजिक है। ठीक है, 65 किए बिना ही जो है आप, आपके पास बहुत सारे ट्रिक्स है, उस ट्रिक से डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आप देखो स्टूडेंट्स हम कितना कम समय में इस चीज का जो है स्क्वायर रूट 67 गेट करके, मतलब पहला नंबर के आंसर 67। तो स्टूडेंट्स इसी के अलावा मैं पहले ये तो 4 डिजिट का नंबर ले रहा, अब मैं आपको 3 डिजिट का नंबर, मतलब ये डिजिट लेकर दिखाता हूँ। देखो 7 8 1, क्योंकि मैंने 3 डिजिट का नंबर लिया नहीं था, इसलिए मैं आपको 3 डिजिट का। अब इसमें कैसे हो, बेसिक रूल कैसे निकालते हैं, तो बेसिक रूल के लिए यहाँ पे क्या करो कि इधर से बार मार दो इधर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, 784 है, देखो ना पीछे से पेयर बनाते हैं कभी भी। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि सीधे आगे से पेयर बनाने लगते हैं, पेयर कभी पीछे से बनाओ। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे अगर 2 का स्क्वायर लेते हैं तो 4 होता है, 2 यहाँ बोले कि जो ये लेंगे वही चीज यहाँ, 3 लेंगे तो यहाँ पे 3, 4 तो यहाँ भी 4, तो 3 का बोले पे ये 9 आया तो ये 4 हो गया, 7 में से 4 गया 3 हो गया 84। अब ये 2 इधर आके 8 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। अब जो नंबर यहाँ लेना है वही नंबर यहाँ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चलो कोई भी नंबर लेता हूँ। देखो अब यहाँ पे 4 आ रहा है, तो क्या लें भाई, तो देखो 2 का स्क्वायर 4 आता है और 8 का स्क्वायर 64 आता है, यानी दोनों में से एक होगा, तो 42 दूनी क्या कितना हो रहा है, 84 हो रहा है, ये तो बहुत कम है भाई, तो सीधे 48 में आ जाओ। ठीक है, 8 ले लेते हैं, क्योंकि 8 का स्क्वायर मैंने बोला लास्ट में 4 दे रहा है, तो 88 64 के 4 कैरी 6, अभी 8 के 32 32 और 6 38, तो देखो यानी क्या हो गया 48, तो 48 8 जब 384, तो ये कट गया, यानी इसका कितना आ रहा भाई, तो इसके जो आंसर आ रहा 28। ठीक है, तो 28 इसका आंसर हो गया, मतलब 28 इस स्क्वायर रूट का जो आंसर हो गया 28 हो गया। अभी 28 तो आ गया मेरा ये डिवीजन मेथड से, मैंने बोला कि भाई आपके पास सारा मेथड आपको पता होना चाहिए, तो डिवीजन मेथड के बाद मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, अभी मैं बोला कि इसको हिंदी में अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि,
आवाज ग्रहण खंड विधि कैसे करते हैं स्टूडेंट, जैसा कि मैं बोला कि आवाज ग्रहण खंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए प्राइम नंबर का यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। हम लोग केवल प्राइम नंबर का यूटिलाइज करेंगे। प्राइम नंबर का यूटिलाइज करने के लिए देखो ये 7 8 4 है, तो 7 8 4 है तो किससे कटेगा, तो अभी देखो ये आप इसको एड कर लो, तो देखो 8 4 12 12 7 19, ठीक है। तो अब ये किससे कटेगा स्टूडेंट, 8 4 12 हो गया, 12 7 19 हो गया, तो 784 किससे कटेगा। तो अभी आप स्टूडेंट लास्ट में मैंने बोला कि 4 है, तो 4 रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बोला कि लास्ट में 0 2 4 6 है, तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बोलता है कि कट जाएगा भाई 2 0, तो यहाँ पे 2 कटेबल से कट गया, तो 2 3 6 हो गया, 2 9 18 हो गया, और 2 2 4 हो गया, फिर 2 से काटो भाई, तो 2 से काटेंगे तो 2 का 2, और फिर कितना बार में जाएगा, 2 9 18, 2 6 12, फिर देखो लास्ट में 6 आया तो ये 2 से जाते जाएगा, 2 9 18, फिर 2 8 16, ठीक है। अब फिर से देखते हैं भाई, फिर देखो 8 है तो 2 से कटेगा, तो 2 4 8, फिर 2 9 18, अब क्या भाई बचा, तो 49 है, तो 7 7 49। ध्यान देने वाली क्या चीज है कि जितना बार मैंने फैक्टर किया सारे समय मैंने केवल अभाज्य नंबर यानी प्राइम नंबर को यूटिलाइज किया, अलावे दूसरे नंबर मतलब हम इसमें 4 नहीं ले सकते, 6 नहीं ले सकते, ठीक है, ऐसे में तो 4 6 सब ले सकते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि बोलता है कि आपको केवल वही नंबर लेना है जो अभाज्य नंबर है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि में हम लोग अभाज्य नंबर लेते, तो देखो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 7 हो गया, मतलब पेयर 2 × 2 × 7 × 7 का हो गया, तो इसको कैसे करते हैं देखो यहाँ पे, इसको हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 7 × 7, तो देखो इसका पेयर 1 निकल जाएगा, इसका भी 1 पेयर निकल जाएगा, इसका भी 1 पेयर, तो 2 × 2 × 7, तो 7 4 = 28, दिस इज द आंसर। तो आप ये देखो ये जो है ये दोनों मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक कैसे निकालते हैं भाई, तो ट्रिक निकालने के लिए काम करते हैं ऊपर में इरेज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको स्पेस अच्छा हो तो आपको समझ में आए। ट्रिक कैसे करते हैं हम लोग, 784 कैसे, तो हम क्या जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9, आप इसको पूरा लर्न कर लेना, ठीक है, क्योंकि आप ये लर्न रखोगे तभी आप जो है फटाफट सॉल्व कर पाओगे। 36 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, अगर आप इसको कॉपी कर लियो तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100। अभी देखो 4 आ रहा है, तो 4 किसका में आता है, तो 2 का में आता है, और किस में आता है ये मेरा 4 8 में आता है, तो ये वाला डिजिट का 2 या 4 होगा। अब देखो 4 डिजिट में 2 डिजिट लिखे थे आगे का, अभी 3 डिजिट है तो केवल 1 डिजिट लिखे, तो 7 है, तो 7 किसके आ रहा है, तो देखो 1 का स्क्वायर में 1 आ रहा है, इससे कम है, ठीक है, 2 का स्क्वायर इससे कम है, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, तो 3 ज्यादा आ जा रहा है, यानी हमको 2 लेना है, ठीक है, 7 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 आ जा रहा है जो 7 से ज्यादा है, तो 2 हो गया, यानी 22 हो गया, यानी आंसर 28 होगा, तो दोनों में से एक आंसर होगा 2 22 या 28, ठीक है। अब तो भाई आप या तो 22 हो सकता है या तो 28 हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है, तो हम सीधा सीधे क्या बोले कि बीच वाला ले लो 25 ले लो, उससे आपको पता चल जाएगा 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो ये तो 22 से कम हो गया, तो मेरे को इससे ज्यादा चाहिए ना, तो ये वाला चाहिए, तो यानी मेरा आंसर 784 इससे ज्यादा आ रहा है ना, इससे जो 25 से ज्यादा आ रहा है, तो मेरा डायरेक्ट आंसर 28 है। तो आप इसको बनाने में मुश्किल से 30 सेकंड भी कम लगेगा, और 30 सेकंड में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है स्क्वायर रूट्स निकालने का शॉर्टकट ट्रिक्स। इसके अलावा मैंने 3 डिजिट का यूटिलाइज किया, 4 डिजिट का निकाला, अब मैं आपको 5 डिजिट का दिखाता हूं, 6 7 3 6। अब इस नंबर को आप स्क्वायर रूट निकालते हो, तो देखो पेयर में बना लेता हूं, अभी क्या होगा, अभी मैं इधर लेता हूं 3, तो इधर भी 3 लेते हैं, तो 12 में 9 हो गया, 3 हो गया, और 67 उतार देंगे, 3 3 6, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर लेंगे यहाँ पे भी वही नंबर लेना होगा, तो आप ले लो, ठीक है, देखिए कितना ले लेते हैं, तो 5 ले लेते हैं, तो 5 5 = 25, और 5 6 30 और 2 32, तो 325, तो यहाँ पे 5 टाइम्स में आपका आ गया 325, तो यहाँ 325 ले लिए। अब बोलेगा सर 6 क्यों नहीं लिया, तो देखो 6 क्यों नहीं लिया, 6 6 36 6 6 36 और 3 39, तो 96 आ रहा था जो इससे ज्यादा नंबर था, तो 325 लिया, तो ये 7 में से 5 किया, तो 7 6 में से 2 गया 4, और 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये 5 को यहाँ 5 एड करें, तो 5 5 10 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये नंबर फिर से यहाँ पे उतरेगा, ठीक है, अब यहाँ पे
यहाँ पे जो नंबर है वही नंबर यहाँ भी लेना होगा, तो यहाँ पे देखो छह है, तो यहाँ पे आपको छह लेना होगा या चार लेना होगा, क्योंकि जो हम जानते हैं चार के स्क्वायर 16 होता है और छह के स्क्वायर 36 होता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो छह का स्क्वायर यानी चार का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट अगर हम चार डालते हैं तो यहाँ पे भी चार डालना होगा, छह डालेंगे तो आप देखो चार डालने से क्या होता है 4 4 16 7 28 जो कि इससे कम है, तो डायरेक्ट 6 डालो तो 706, तो 6 6 36 के 6 कैरी थी 7 6 42 यानी 4 2 3 6 आ रहा है, यानी हमको यहाँ पे 6 नंबर लेना है, तो यहाँ पे 6 ले लिया, तो ये 4 2 3 6 ये कट गया। तो देखो स्टूडेंट्स हम लोगों को इसमें क्या हुआ, यहाँ पे 1 2 6 7 3 6 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या निकल गया है 356। अभी मैंने बोला कि इसको जो है आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालने के लिए आपको यही तरीका अपनाना होगा जो मेथड यहाँ पे मैंने आपको दिया है। अभी 1 2 6 7 3 6 को अभी देखो लास्ट में 2 है, ठीक है 6 है, तो 6 है तो आप किससे मल्टीपल होगा 2 से, तो इसको 2 से आप कर सकते हो, तो कितना हुआ 2 6 12, ठीक है 2 3 6 फिर 2 3 6 2 6 12 2 8 16 फिर 2 से ले जाओ तो 2 3 6 फिर 2 का 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 फिर 2 से ले जाओ 15 2 8 16, ठीक है फिर 2 4 8 फिर 2 2 4 फिर 2 से जाएगा, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स मैंने बोला कि लास्ट में अगर 2 का टेबल से है तो 2 से कटता जाएगा, फिर 2 से लो तो 2 7 14 2 9 18 2 2 4 2 का 2 फिर आते हम लोग तो 7 9 2 1 तो 7 9 2 1 है तो ये किससे जाएगा स्टूडेंट, तो अभी देखो इसको जोड़ लेते हैं 9 7 16, ठीक है 16 2 कर लेंगे स्टूडेंट, ये आपका जो है 89 89 और तो यहाँ 89, ठीक है तो यहाँ 89 हो गया और यहाँ 89, क्यों 89 89 तो किसी का टेबल में आता नहीं है, तो 5 9 2 1 तो आप कैसे देखो इसका पेयर इसका पेयर और इसका पेयर ले लेते हैं 2 into 2 into 2 into 2 into 89 into 89, तो ये यानी कितना हो गया 2 into 2 into 89, तो इसका जो वैल्यू हो गया ठीक है 356 हो जाएगा और ये इसका 356 हो गया। तो स्टूडेंट्स अगर आपको लगता है कि हम यहाँ पे फंस जा रहे हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ वेज है जिससे आप बाहर निकल सकते हो। अब इसका ट्रिक्स आ जाते हैं, ट्रिक्स कैसे करते हैं तो अभी देखो, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है तो इसके लिए ट्रिक्स भी उसी टाइप का होगा। तो 1 2 6 7 3 6 है, तो लास्ट का नंबर देखो 6 है, तो 6 है तो देखो डिजिट काउंट करो 1 2 3 4 5 6 6 में हम लोग आगे का फिर देखें 5 रहता, अगर यही डिजिट अगर सपोज करो कि यहाँ पे मैं बताता कि भाई 7 8 4 3 5 ये 5 डिजिट का नंबर का स्क्वायर रूट निकालना रहता, तो आगे का हम लोग 3 देखते हैं। याद रखना क्या होता है, 3 डिजिट नंबर में हम लोग आगे का 1 देखते हैं, ठीक है 4 डिजिट में आगे का 2 देखते हैं, 5 डिजिट में आगे का 3 देखते हैं और 6 डिजिट में आगे का 4 डिजिट देखते हैं। तो इसमें हम लोग आगे का 4 डिजिट देखते हैं, ठीक है तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये देखो 1 2 6 7 है, तो 1 2 6 7 किसके स्क्वायर में आएगा, तो देखो 36 का स्क्वायर जो होता है वो इससे ज्यादा होता है, तो हम इतना नंबर को डायरेक्ट 35 ले लेते हैं। और ये किसका स्क्वायर में आता है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं 4 के स्क्वायर में 16 आता है और 6 के स्क्वायर में 36, यानी 4 लेंगे या तो 6 लेंगे, जैसे कि मैं ऑलरेडी बोला। और आगे का 4 डिजिट पे करना है, 4 डिजिट पे करना है मतलब किसका स्क्वायर में, तो 36 का स्क्वायर इससे ज्यादा आता है यानी 35 हो गया और यहाँ भी 35 हो गया, तो मेरा आंसर जो हो जाएगा 356 356 इज द आंसर, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं, वेज है जिसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को स्क्वायर रूट निकालने का, ये वे है स्टूडेंट, इसको ध्यान से देखो और इसको यूटिलाइज करो अपना, ठीक है आज के लिए इतना ही।